नमस्कार दोस्तों, मनीषा विलेज फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम अपने खेतों में आए हुए हैं और हमारे खेतों में बहुत ही हरियाली है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं आलू मटर की सलोनी। हमारे यूपी में यह बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको बनाने के लिए हम मटर का छिलका उतार कर रख लिए हैं, आलू का भी छिलका उतार लेते हैं। इसके लिए हम दो प्याज और दो टमाटर, धनिया, लहसुन और हरी मिर्च को लिए हैं। सभी को साफ पानी से धुल लेते हैं। सभी सब्जियों को धुलने के बाद इसको बारीक काट लेते हैं। आलू को भी काट लेते हैं। आलू को ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे, इसको मीडियम में काटेंगे। सभी सामग्री को तैयार करके रख लिए हैं। अब हम आग जलाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें सरसों का तेल डालेंगे। एक छोटी चम्मच जीरा का तड़का लगाएंगे। इसमें एक बड़ी भी डालेंगे। जीरा चटकने के बाद कटे हुए प्याज को भी डालेंगे। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें हरी मिर्च और लहसुन को भी डालेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें कटे हुए आलू को भी डालेंगे। आलू को हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू का भी कलर चेंज हो गया है। इसमें हरे मटर को भी डालेंगे। आलू मटर को भूनने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे। सभी मसाले को डालकर इसको चला के अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला डालने के बाद यह तली में चिपकने लगता है, तो इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे।
और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें कटे हुए टमाटर को भी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों। आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा। सलोनी हमारी बन गई है। इसमें हरी पत्ती की धनिया डालेंगे। दोस्तों सलोनी बनाने की बहुत सी विधियां होती हैं, लेकिन हम कुछ अलग विधि से बना रहे हैं, तो आप इस विधि से जरूर बनाइएगा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।